इस्टब्लिशमेंट नाराज़ है कुछ लोगों से उनमें नून लीग के कुछ लोग हैं जिनसे नाराज़ है और शहबाज साहब जो हैं वो वो ज़्यादा बिज़ी हैं ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड फजूल फ़जूल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं और हर जगह पे ख़ुद ही पहुंच जाते हैं इज़ नॉट टेकिंग एनी डिसीजंस टू प्रोटेक्ट दबल्लिशमेंट ये मैं बता रहा हूं कि कहां से ये बात मैं कर रहा हूँ अच्छा ठीक है आ, तो ये जो सारा कुछ हुआ है हाँ। इसमें हुकूमत का रोल तो खास नुमाया नहीं था मोहसे नकवी साहब का था मगर सबको पता है वो हुकूमत तो नहीं है वो तो इस्टेब्लिशमेंट है ऐसे ही है ना और फिर पुलिस तो हुकूमत है बट uh, पुलिस भी इस वक्त हुकूमत से तो नहीं ऑर्डर्स ले रही हो, तो कहीं और से ऑर्डर्स लेती है जारे भी देख रहे। आ, को और आई जीज है कहीं से और से आते हैं आई भी नगोसिएशन जो है उनके हाथ में जी। उनका बंदा लगाया है वहाँ इंटीरियर में भी उनका बंदा उन्होंने लगाया हुआ है ठीक है और भी मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ कहाँ सारे आई जीज उन्होंने लगाए हुए हैं ठीक आईजी जी साहब मोहसिन नकवी साहब के बड़े करीब रहे हैं पंजाब के आईजी साहब भी पंजाब के आई साहब भी तभी के चल रहे हैं हाँ जी जी तो अब बात ये है कि इंतजामिया और, और समझे जो डी फैक्टो जो गवर्नमेंट ऑफ द ग्राउंड है वो तो मगर इसके बावजूद इस्टेबलिशमेंट का ये ख्वाहिश थी कि गवर्नमेंट से लोग निकलें और वो इमरान ख़ान को हैंडल करें पोलिटिकली बिकॉज़ इमरान खान एक सियासी तौर पर अटैक्स कर रहा है उनका ये ख्याल है कि सिर्फ़ एक अता आर साहब आ जाते हैं और वो इनफी आके हर रोज़ कुछ ना कुछ कह देते हैं मगर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से या और कैबिनेट मेम्बर्स की तरफ से तो कुछ नहीं नज़र आ रहा आपको कुछ नज़र आ रहा है और अगर कुछ नज़र आ रहा है अगर कुछ नज़र आ रहा है तो वो राना सनावला साहब आ रहा है रहा सुन रहा तो कोई और किस्म की बात कर जाते हैं हाँ। जिसके साथ मेरा ख्याल है गवर्म को भी थोड़ी सी तकलीफ होती होगी जी, जी, ऐसे ही है ना हाँ। अगर गवर्न को तकलीफ है तो फिर मतलब को भी तकलीफ है तो फिर मुझे बताएं अता से के अलावा और मौसम के अलावा कौन आपको नजर आ रहा है तो ख्वाजा आसिफ और वजी ख्वाजा आसिफ सही कह रहे हैं मैं भूल गया ख्वाजा साहब के बयान आते हैं और जाहिर है वो टी वी पर बैठ के बात करते हैं या ट्विटर पर कुछ करते थे मगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस धमाके दौ, दौ, वाले को प्रेस कॉन्फ्रेंस वो तो अभी तक मैंने नहीं देखी mm. प्राइम मिनिस्टर साहब से तो प्री प्लान किस्म की बात है वो बात करते हैं वो लगता भी नहीं है कि यू नो लुक्स लाइक इज एक्टिंग एंड ही इज़ नॉट अ वेरी फोर्सफुल स्पीकर सो आई थिंक देर इज सम समिवाइट कि यार ये ये कर करके रहे हैं हमें प्र, हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे सारा बोझ हमारे पे डाल दिया है इमरान खान का तो कुछ ये भी तो कुछ हरकत में आए ना ये कुछ करें तो ये नहीं कर रहे अच्छा इसीलिए आपने देखा कि एकदम जब ये इशारा हुआ तो फिर मरियम बोली है। जी जी उससे पहले मरियम चुप थी जी जी तहरीक इंतार करार दिया उन्होंने फिर मरियम ने बड़ी सख्ती से बोली सख्त बात प्राइम मिनिस्टर भी बोला जी तो मेरा ख्या है ये पैगाम गया है और आज पैगाम ऑफिशियली भी दे दिया गया है आई एस पी आर की जो कॉन्फ्रेंस उसके बाद ये कहा गया कि गवर्नमेंट को हिदायत की जा रही है कि ये। आप ये करें ये करें जी जी। कानून और बनाए जी। ये करें। और कवानी के ऊपर ही तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है कि कवानीन के ऊपर मीडिया पड़ जाता है गवर्नमेंट को कि आप ये किस किस्म के कानून ला रहे हैं जी उनके जो एलाइज हैं वो शोर डाल देते हैं पीपल्स पार्टी कहती है नहीं ये नहीं वो नहीं कोई ना कोई मिन मिन करता रहता है अब ये जो मौलाना का जो इशू बन गया ऑन दिस बिल की डिस्कशन करेंगे आगे जाके तो वो आपका ख्याल है वो गवर्नमेंट ने प्रेजिडेंट साहब जो है वो खुद ही सोच के बैठे हुए हैं कि इसको मैंने साइन नहीं करना हालांकि पहले एग्री कर गए थे मौलाना के वो कॉल लेकिन अब इशू बन तो एग्री करना ही था ना वो मुझका हो रहा था हाँ। उसके बाद ने कहा प्रेजिडेंट साहब को यह कहा होगा कि ये तो मसला बन जाएगा हमारे लिए अगर आपने ये बिल पास किया था तो उधर से कहा होगा ये तो हमने वादा किया हुआ वा है कि हम करेंगे उन्होंने कहा नहीं नहीं हो गया वादा वादे शादे। काम निकल गया काम निकल गया ये नहीं हम कर सकते इसके बड़े इम्प्लीकेशन हैं ये तो हमारे ऊपर एफ है हमारे ऊपर ये है हमारे ऊपर वो है तो आपने ये कर दिया मौलाना की बात मान ली तो वी आर इन ट्रबल और वो हम हम डिस्कस करेंगे व्हाई इज ऑब्जेक्टिंग ओके टू दिस बिल ओके ओके तो अब बात ये है कि गवर्नमेंट जो है ना इधर की रही ना उधर की रही इस्टब्लिशमेंट चाहती है गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रांग वेल्ड तरीके से डील करें मगर उनको शाख ये भी था कि ये शायद नहीं कर पाएंगे इसलिए उन्होंने मोहसिन नकी साहब को मनाया कि वो डायरेक्ट कर लेंगे तो इज इन डायरेक्टली इन टच विद्लिशमेंट अच्छा सो आई थिंक सम अनहैपीनेस कि यू you नो know, ये गवर्नमेंट ठीक है ये चीज़ें ये चीज़ें वो मगर वो तो सारा हम ही कर रहे हैं इंटीरियर भी हम कर रहे हैं फाइनेंस भी हम कर रहे हैं तो रह गए पीछे Mm -hmm. आप लोग क्या कर रहे हैं यू डोंट डिफेंड अस यू डोंट डिफेंड दिस यू डोंट डिफेंड दैट सो आई थिंक दिस इज इशारा टू द गवर्नमेंट कि यार गेट योर एक्ट टुगेदर ओके स्टैंड अप डिफेंड अस डिफेंड द कंट्री बी मोर फोर्सफुल डोंट बी सो अपोलोजेटिक अच्छा डोंट कम अंडर प्रेशर मौलाना मीडिया हे ह्यूमन राइट्स वगैरह ये वो वक्त नहीं है ये चीजें सोचने का mm. और पीपल्स पार्टी बड़ी की क्लेवर गेम खेल रही है पीपल्स पार्टी ने तो आपको पता है सुंग लिया था कि एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है जी। मैंने आपको इस प्रोग्राम में दो तीन दफा कहा है कि वो नीचे वाले कहते हैं कि मरियम बीबी बात नहीं मानती है तो तो सिफारिशें होती है ना जी जी हाँ मरियम ने ये पोजीशन ली हुई है कि मैंने सिफारिश नहीं एक्सेप्ट कर मेरिट पे होगा का काम अच्छा नहीं बोले हर लेवल पे सिफारिश होती है तो आई थिंक इस किस्म की अब वाडा साहब पढ़ गए तो वाडा साहब तो तुम्हें पता है वो तो फिर छोटी मोटी बात ही करते रहे <laughs> तो तो गले ने। कोई काम आता बह जाओ अब क्योंकि बिलावल को भी इशारा हुआ था शुरू करो अपना कार्रवाई वो भी इशारा है टू तो द कि हमारे पास ऑप्शन है ठीक ठीक हमारे पास और भी ऑप्शन है अगर आप इधर उधर ठीक नहीं काम करेंगे तो वी हैवंग विद ठीक सो आई थिंक और बिलावल इज रेडी टू प्ले द गेम वो तो हमेशा तैयार है बट एक्चुअली देर इज नो वे ये आज कैटेगोरिकली मैं आपको कह रहा हूँ देर इज नो वे दी गवर्नमेंट द इस्टेब्लिशमेंट विल एक्सेप्ट बिलावल ओवर शबाज शरीफ ये क्या बात हुई एक तरफ वो फैसल के जरिए प्रेशर डाल रहे हैं सिर्फ सिर्फ वो बिलावल को भी चला रहे हैं हुँ. अच्छा इधर शबाज शरीफ साहब को चला रहे हैं हाँ। सब कुछ चला रहे हो सब तैयार है चलने के लिए अब बिलावल को भी उन्होंने कुछ दिखाया हरे बाग दिखाए अच्छा। बिलावल भी सोचा यार अस्सी भी शुरू कर दिए फिर हाँ शायद हमारी हाँ। हाँ चामस बन जाए ठीक हाँ। है ना वो तो, तो, तो पहले दिन से तैयारी में बैठा है और सरदारी साहब की यही कोशिश थी अपनी जिंदगी में आजम देखना चाहते हैं उनको नॉट जी एंड फ्रेंकली बिलावल इज अ वेरी चार्मिंग इंटेलिजेंट यंग मैन इंटेलेक्ट हाँ बिल्कुल सो आई थिंक तो एम्बिशन तो होती है ना और फिर ये एक स, एक ज़माने में हमने ये भी सुना था कि जी फ़ैसला ये बिल्कुल तो तो अब वो साल तो हो गया ना इनका जी तो एक साल और चुनडिया बढ़ते बढ़ते निकल जाएगा ठीक हाँ तो बाकी रह जाएंगे तीन साल तीन साल रह जाएंगे ना चार साल साल अच्छा तो मैंने कहा था वो चार साल नहीं रहेंगे हाँ। मैंने कहा था उससे पहले इलेक्शन हो जाएगी जी आपको याद होगा मैंने कहा था कि खान के साथ जो डील होगी तो यही होगी वो कहेगा कल इलेक्शन कराओ ये कहेंगे हम कराएंगे पांच साल के बाद हाँ। तो वो निगोशिएट करते करते वो साढ़े तीन चार साल पे बात आ जाएगी आ जाएगी हाँ। ये चाहते हैं फिर नून लीग वाले कि हम ही रहें ताकि हम कुछ अपनी कुछ कारस्तानी कुछ दिखा लें कुछ इकोनॉमी स्टेबल हो जाए थोड़े बहुत हमारे नंबर लगने शुरू हो जाए आवाम के साथ तो अगली इलेक्शन में हम भी कुछ चार पांच वोट ले लें ठीक पीपल्स पार्टी को तो इस चीज़ का इतना फिक्र नहीं है वो तो, तो सारा वोट उनका सिंध में ही है और वहाँ वो पक्के हैं कोई कच्चे तो है नहीं वहाँ वहाँ आप जो मर्जी कर लें रे सॉलिड तो तो अब इन्होंने सोचा कि यार थोड़ा हम भी प्रेशर डालें तो हम हमें भी एक मौका मिलना चाहिए तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा ये कहती है ना जी कि हम कर लेंगे बात इमरान के साथ जी जरदारी साहब इज अ मास्टर पॉलिटिशियन मुफ़ाहमत के चैंपियन चैंपियन hmm. अगर जरूरत पड़ेगी तो वो प्रेसिडेंसी से उठके अदियाला चले जाएंगे hmm. hmm. शबाज श्री साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा hmm. शबाज श्री साहब के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस से उठके अदियाला जाना इमरान खान से बात करने के लिए मुश्किल हो जाएगा बिकॉज शबाज इज नॉट ए निगोशिएटर शबाज इज एन एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट ए पॉलिटिशियन ओके

तो इसीलिए प्रोविंस उनके वाले के लिए और आप खुद सियासत कर रहे हैं और वो बरखुदार बिल्कुल सही काम कर रहे हैं हाँ। और जो कहते हैं वो करते भी हैं मगर बेसिकली ये पॉलिटिक्स खेलते हैं दोनों पे पुत्र वो, वो प्रोविंस चला रहे हैं हाँ। यहाँ तो सिचुएशन थोड़ी फर्क है ना कि शबाज शरीफ के नॉट डिगोशिएट इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन एक्चुअली इज एंटी पॉलिटिशियन ओके okay. और सारी उम्र उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री की है चीफ मिनिस्ट्री में भगवान ब्यूरोक्रेसी के साथ काम किया है और जो पॉलिटिशियंस थे उनके एमपीएस थे उसके लिए या हमजा को हवाले कर दिया था या राना सना के हवाले कर दिया था। जी, था ऐसे ही है ना। जी. तो वो तो ही डजेंट लाइक ऑल वो अपना वन मैन शो नहीं नहीं ही कम्स ही गोस ही मीट्स तस्वीर ठीक कैबिनेट सो आई थिंक तो ठीक है फॉर द रोल ओके बट पीपल्स uh, पार्टी भी तो अपने मसल्स को थोड़ा फ्लेक्स करती रहती है ना देखिए ना अगर आप हर बात माने गवर्नमेंट की ओके। तो तो आपकी वैल्यू नहीं रहती ना इस मुल्क में तो वैल्यू होती है कि आप गरजे हैं फन्ने खानी दिखाए आप हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर होए ना हाँ।

फोर hmm. जैसे उन्होंने मौलाना का रास्ता निकाला है हाँ. इसी तरीके से पॉलिटिशन है hmm. और आ, आ, बिल्कुल ये पॉसिबल है hmm. कि किसी दिन मियाँ साहब खुद जाके hmm. इमरान को मेन स्ट्रीम में वापस लेके आए क्या यही वजह है कि नून लीग डिफेंड नहीं कर रही इस्टेब्लिशमेंट को अच्छा आप देखते तो आप कह रहे हैं कि डिफेंड नहीं कर रही आप? यही तो कह रही है। यही तो मैं कह रही हूं कि, अच्छा, तो आप क्या यकीन रखती हैं कि ये सही है बात मुझे इसलिए दिस इज अबाज शरीफ एंड द नूंगीग उठो खड़े हो कुछ करके दिखाओ फ्रंट फ्रंट सऊदी अरेबिया भी चीफ ने जाके

इस्टेब्लिशमेंट की तरह से आए हैं तो आई थिंक दैट्स ये मैसेजिंग होती है पॉलिटिक्स के अंदर पैगाम पहुँचाना किसी इस तरीके के साथ इस तरीके के साथ तो so, बिलावल को कहा गया है कि बोलो वी हैव नो प्रॉब्लम